वेलकम दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बस कंडक्टर की भर्ती सरकारी रोडवेज में भर्ती आ चुकी है दोस्तों। परिचालन की भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अंतिम तारीख 30 नवंबर है। फॉर्म जरूर भरें। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार है तो लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए और इस जिस प्रकार से आपका अपलोड हो जाए, साथ में इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए दोस्तों। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, बस कनेक्टर की भर्ती आ चुकी है। सरकारी रोडवेज के अंदर भर्ती आ चुकी है। 10वीं पास है और 12वीं पास है तो भी यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप 18 से लेकर 40 वर्ष की एज होनी चाहिए, जिसके अंदर परिवहन चालक का मतलब टिकट कलेक्टर की भर्ती रोडवेज के अंदर आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है और इसकी लास्ट तारीख है 30 नवंबर है। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए क्योंकि दोस्तों अंतिम तारीख आने वाली है। बहुत जल्दी आपको पता है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पूरी विज्ञप्ति के साथ में, क्या है, कहां पर भर्ती आएगी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, राज्य सरकार पथ परिवहन प्रणाली द्वारा ग्रेड की सीधी भर्ती 2019 में निकाली गई रिक्त पदों की चयन के हेतु तैयार की गई ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों को इसकी वेबसाइट की जानकारी दी जाएगी दोस्तों। कनेक्टर की भर्ती पद 2389, शैक्षणिक योग्यता 10वीं प्लस 12वीं पास है। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1/11 से लेकर 31/12 तक ऑनलाइन आवेदन शुरू है, तो यहां पर आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए दोस्तों। अब ये है कहाँ है दोस्तों, ये जो ऑल इंडिया भर्ती के अंदर है, ऑल इंडिया से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुजरात डिपो रोडवेज में भर्ती निकली है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैं राजस्थान से तो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल, आप राजस्थान से फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले, दिल्ली वाले, पंजाब वाले, गुजरात वाले, ऑल इंडिया फॉर्म यहाँ पर आप भर सकते हैं। क्या क्या सिलेबस है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रेक्टर की पड़ते हैं, यहाँ पर पेमेंट आपका अच्छा है, 2300 लगभग आपकी पोस्ट है पुरुष और महिला दोनों के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ योग्यताओं की, यहाँ बात करता हूँ तो योग्यता मैंने आपको बताई है, 10वीं पास 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम सीधे के सीधे जो आपके जो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, जिसके अंदर आपके 12वीं पास मैट्रिक पास आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। और उसके बाद में आपका जो अदर एक्सपीरियंस है तो आपको 20 नंबर और उसके 10 नंबर 30 नंबर मिलेंगे, और आपकी OMRC में 30 गुणा विद्यार्थियों को पास किए जाएंगे। यहाँ पर आपको 30% नंबर लाने बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 30% आप नंबर लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 30 है, गुजराती के आपके 30, हिंदी इंग्लिश के आपके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपका टाइम 2 घंटे का रहेगा जिसमें ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ओ मार्कशीट आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में फिर मिलते हैं दोस्तों। गुजरात के अंदर रोडवेज भर्ती आ चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।